कमेंट की गो एंड वॉच इट हमारे चैनल की क्लास 10th प्लेलिस्ट में वो चैप्टर मौजूद होगा और यार अगर मतलब जल्दी से उसको कवर करना है तो आप उसको टू 1.5x एक्स में भी देख सकते हो

प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप क्वेश्चन uh, पढ़ सकते हैं हु ब्रॉट द प्रिंट कल्चर टू जापान जापान के अंदर प्रिंट कल्चर किसने इंट्रोड्यूस करा था कैसे गया था जापान जापान में प्रिंट कल्चर सो इट ब्रॉट टू बाय द बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना यस सो बच्चों हमेशा ये चीज याद रखिएगा आप सभी को पता है कोरिया चाइना जापान ये तीन ऐसी जगहें थी जहाँ पे प्रिंट कल्चर अर्लिएस्ट फॉर्म में डेवलप हो रहा था सबसे पहले यहीं पे डेवलप हुआ था लेकिन सबसे पहले जब चाइना में टेक्निक डेवलप होती है फिर टेक्निक डेवलप होने के बाद वो टेक्निक जापान में जाती है जापान में कैसे प्रवेश करती है तो बहुत से जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे जो अपना धर्म फैला रहे थे वो लोग इस टेक्निक को चाइना चाइना से जापान में लेकर जाते हैं ठीक है सो इट वॉज इंट्रोड्यूसड बाय द बुद्धिस्ट मिशनरीज ऑल राइट नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पे आ गए हैं सेकेंड क्वेश्चन है नेम द चाइनीज ट्रेडिशनल बुक विच वॉज फोल्डेड एंड स्टिच्ड एट द साइड चाइना की ट्रेडिशनल बुक चाइना की सबसे पहली बुक जिसको वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक के द्वारा प्रिंट किया गया था सो so याद रखिएगा उस बुक का नाम है द ट्रेडिशनल अकॉर्डियन बुक ऑफ चाइना एंड अकॉर्डियन बुक को वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक के थ्रू प्रिंट करा गया उसके बाद उसको फोल्ड कर दिया जाता था और उसके एंड्स पे उसको स्टिच कर दिया जाता था बिकॉज बोथ द साइज ऑफ द थिन पोरस शीट्स कुड नॉट बी प्रिंटेड बस क्यों ऐसा करा जाता था उसके पीछे ना एक रीज़न है कि उसको स्टिच क्यों कर दिया जाता था क्योंकि होता क्या था जैसे उस टाइम पे मैं आपको बता जैसे पर ना ये आ, एक वो लेते हैं ये yeah. सपोज ये एक शीट है ठीक है यहाँ पे एक शीट है हमारे पास ये जो शीट होती थी अगर इस साइड पे आपने प्रिंट कर दिया तो वो ना पेपर इतना पतला होता था कि जो इस साइड पर प्रिंट करा वो दूसरी साइड पर भी छप जाता था दूसरी साइड पे भी छप जाता था तो आप ना एक एक ही साइड प्रिंट कर पाते थे उसके पीछे प्रिंट नहीं कर पाते थे क्योंकि पीछे भी वही सेम चीज़ छप जाती थी तभी जो है उसको स्टिच करना पड़ता था अब ऑब्वियसली बात है यार पेपर इतनी अच्छी क्वालिटी के तो होते नहीं थे आजकल भी कभी कभी ऐसा होता है कि अगर बहुत थिन पेपर पर पे अगर आप लिखते हो कुछ और एक अच्छे डार्क पेन से लिखते हो तो वो जो बोल्ड वाले मार्कर्स आते हैं ना अगर उससे लिखने की कोशिश करोगे तो वो भी दूसरी साइड छप जाते हैं राइट Uh, तो वही वाली चीज होती थी कि वो ऐसे प्रिंट करते थे इतनी पतली शीट्स होती थी कि दोनों साइड छप जाता था इस वजह से उस पेपर को उस प्यारे से पेपर को संभाल के रखना पड़ता था स्टिच करना पड़ता था आपस में ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जापानीज बुक प्रिंट कल्चर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक के थ्रू जो सबसे पहली जापानीज बुक को प्रिंट करा गया था दैट वाज दी बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा याद रखेगा बुद्धिस्ट मिशनरीज ही टेक्निक लेकर आए थे और सबसे पहली किताब जो प्रिंट करेगी दैट वाज द बुद्धिस्ट

बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र नेक्स्ट नेक्स्ट अब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन आ गया है बच्चों और ये सीबीएसई 2010 14 16 हर जगह पूछा गया है ऐसा क्या क्वेश्चन है चलिए देखते हैं एक्सप्लेन एनी थ्री फीचर्स ऑफ द हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट इन इंडिया इंडिया की बात हो रही है हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात हो रही है मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी बच्चों मैन्यू स्क्रिप्ट आधा हंड रिटन डॉक्यूमेंट्स हाथ से लिखने वाले जो दस्तावेज होते थे उनको हम मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते थे अब सी बात है कि इंडिया के अंदर जब प्रिंट कल्चर नहीं आया था तो हाथ से चीज़ों को लिखा जाता था और उन्हीं चीजों को संभाल कर प्रिजर्व करके रखा जाता था और उन्हीं मैन्यूस्क्रिप्ट के फीचर्स के बारे में पूछा जा रहा है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वी कैन सी की बार बार रिपीट हुआ है तो देखते हैं थ्री फीचर्स ऑफ द हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट इन इंडिया आर तो इंडिया के अंदर एक रिच और बहुत पुराना ओल्ड ट्रेडिशन था हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट का जिनको पाम की पत्तियों पर या फिर हैंडमेड पेपर पे कॉपी करा जाता था या लिखा जाता था दीज वर हाईली एक्सपेंसिव फ्रेजिल एंड नीडेड केयरफुल हैंडलिंग दे वर प्रिजर्व बाय प्रेसिंग बिटवीन द वुडन कवर्स और दे वर सून टूगेदर एंड रीडिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज नॉट ईजी एज दे वर रिटन इन डिफरेंट स्टाइल्स विच लिमिट्स इट्स यूज सो एक्चुअली बच्चों जो काम के पॉइंट्स हैं वो ये तीन पॉइंट्स हैं ठीक है सो so ये वाली चीज़ आप बिल्कुल इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि इंडिया के अंदर एक बहुत ओल्ड और रिच ट्रेडिशन था हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट का जिनको प्रिजर्व करके रखा जाता था ठीक है उनको पाम लीज पे कॉपी करा जाता था हैंड हैंडमेड पेपर पे कॉपी करा जाता था ठीक है रखा जाता था ओके okay. दूसरी चीज यहाँ पर अच्छा अब तीन पॉइंटर्स क्या लिख रहे हैं तीन फीचर्स बताने हैं हमको थ्री फीचर्स बताने थे तो एक फीचर हम ये बताएंगे कि ये एक तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट क्योंकि Obviously, इनको इंडिविजुअली प्रोड्यूस करा जा रहा है तो डेफिनेटली एक इंसान इतनी मेहनत कर रहा है तो इट विल बी हाईली एक्सपेंसिव तो इट वॉज हाईली ठीक है क्योंकि उसमें मेहनत बहुत लग रही है तो इट वॉज हाई एक्सपेंसिव इट वॉज फ्राजिल फ्राजिल का मतलब है काफी नाजुक होती थी एंड दे नीडेड केयरफुल हैंडलिंग और इनको ना संभालने के लिए भी काफी केयरफुली संभालना भी पड़ता था इनको उसी के साथ देवर प्रिजर्व बाय प्रेसिंग बिटवीन द वुडन कवर्स और सून टूगेदर सो so, इनको अगर प्रिजर्व करके रखना था तो कैसे प्रिजर्व करके रखना था बाय प्रेसिंग बिटवीन द वुडन कवर्स लकड़ी के कवर्स के बीच में इनको प्रिजर्व करके रखा जाता था या फिर इनके जितने भी मैन्यूस्क्रिप्ट आपने अलग अलग पेजेस पे लिखे उनको सिल दिया जाता था जैसे अकॉर्डियन बुक को सिल रहे थे ना तो वैसे इनको भी सिल दिया जाता था आपस में पेपर्स को ताकि गायब ना हो जाए गुम ना हो जाए कहीं खो ना जाए कहीं फट ना जाए तो इस वजह से उनको स्यू करके सिल कर या फिर वुडन कवर्स के बीच में दबा के रख दिया जाता था इन टू प्रिजर्व और इनको पढ़ना भी आसान नहीं था रीडिंग स्टाइल में लिखा जाता था so, ये आप लिख सकते हैं डिस्क्राइब वुड ब्लॉक ऑल राइट वुड ब्लॉक प्रिंटिंग डिस्क्राइब करनी है सबसे पुराना तरीका ये है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ऐसी टेक्निक थी ऑफ प्रिंटिंग द बुक्स बाई रबिंग द पेपर अगेंस्ट दर्फेस व्लॉक्स तो बच्चों जैसे लकड़ी का उभरा हुआ हिस्सा होता था लकड़ी से उभरा हुआ हिस्सा होता था जैसे सपोज मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ हाँ देखो ये जैसे रिमोट है ठीक है जैसे ये रिमोट है इसमें ना आप देख रहे हो कि रिमोट एक फ्लैट सर्फेस है और उसके ऊपर ये सारे जो नंबर और ये सब लिखा है ना ये सब उभरा हुआ है है ना सरफेस के ऊपर तो ऐसे वुड ब्लॉक्स होते थे लकड़ी होती थी और उसके ऊपर जैसे जो लेटर्स हैं जो छापना है वो चीज उभरी हुई होती थी फिर उसी पे क्या करते थे आप इंक लगाते थे उसकी उभरी हुई सरफेस पे इंक लगाते थे और उसी इंक को ऐसे पेपर पे रब करके उसको छाप देते थे तो जो उभरा हुआ हिस्सा है जैसे उस पर सपोज उभरे हुए हिस्से पे यहाँ पे लिखा है ओके ओके लिखा है ठीक है वो उभरा हुआ है उसको आपने इंक में डिप करा उसको छाप दिया तो आपके पेपर पे भी ओके लिखा हुआ आ जाएगा राइट तो वही वाली चीज़ होती थी तो रबिंग द पेपर पेपर को रब करा जाता था इंक सरफेस ऑफ द वुड ब्लॉक्स के अगेंस्ट एंड मार्को पोलो ने फिर जब मार्को पोलो इटली वापस जाते हैं यूरोप जाते हैं चाइना से आ, इन द ईयर 1295 तो वो जो है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अपने साथ लेकर जाते हैं टू मीट द डिमांड फॉर बुक्स बुक्स द एक्सपोर्ट ऑफ इंक्रीज बुक हेल्ड एक्सपैंड ओके सो so, यहाँ पर वही बात करी जा रही है कि जो डिमांड थी किताबों की वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है और एक्सपोर्ट जो है किताबों का दूसरे देशों में किताबों को पहुंचाने का काम भी होने लगता है साथ ही में बुक फेयर्स ऑर्गेनाइज़ होने लगते हैं दैट इज़ द रीज़न बच्चों हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट की प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करा जाता है और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक और भी ज़्यादा पॉपुलर होने लगती है क्योंकि जाहिर सी बात है कि बुक्स की जो डिमांड है वो बढ़ रही थी रीडिंग पब्लिक और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी मर्ज हो रही थी एंड दैट इज़ वाई वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है ठीक है चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सीबीएसई दो हजार पंद्रह का क्वेश्चन है कि वॉट वॉज द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन बच्चों आप सभी को पता है कि जो क्रिश्चियन रिलीजन होता है क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर सेक्ट होते हैं एक सेक्ट होता है कैथलिक सेक्ट एक होता है सेक्ट, ठीक है तो ये जो प्रोटेस्टेंट सेक्ट है ना असली में ये जो क्रिश्चियनिटी का प्रोटेस्टेंट सेक्ट सेक्ट है, ये इसके कैथोलिक के वो हम देखते हैं मार्टिन लूथर एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे यानी कि बच्चों मार्टिन लूथर धर्म में बदलाव लाना चाहते थे रिफॉर्म लाना चाहते थे 95 प्रैक्टिस एंड द रोमन कैथोलिक चर्च तो उस समय पर ना चर्च का काफी दबदबा सोसाइटी पे होता था जो चर्च कहता था लोग वही मानते थे रिलीजन पे लोग चलते थे लोग डरते थे धर्म से तो ये सारी चीज़ें थी तो मार्टिन लूथर ने अपनी नाइन्टी फाइव थीसीज एक किताब लिखी और उसके अंदर उन्होंने बहुत सी रोमन कैथोलिक चर्च की जो प्रैक्टिस थी जो रिचुअल्स थे जो ट्रेडिशन्स थे उनकी आलोचना कर दी अब ऑब्वियसली रोमन कैथोलिक चर्च उनसे गुस्सा हो गया और मार्टिन लूथर को जो जो लोग सपोर्ट कर रहे थे और जो जो लोग रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ जा रहे थे उन सभी ने एक तरीके से आ, वो साथ में चले गए कैथलिक्स के खिलाफ और उन्होंने अपना एक नया सेक्ट बना लिया विच वॉज द प्रोटेस्टेंट सेक्ट

हाउ डिड ही डिवेलप द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी किसने प्रिंटिंग प्रेस को डिवेलप करा है और कैसे इस व्यक्ति ने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डिवेलप करी तो सभी को पता होना चाहिए इस मशहूर हस्ती का नाम जिसका नाम है जोहैन गुटनबर्ग जोहैन गुटनबर्ग ने फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस को डिवेलप करा है इन द फोर्टीन थर्टीज एट स्ट्रासबर्ग इन जर्मनी So, Johann Gutenberg first on printing press in 1430s in Strasbourg, Germany. Hum log dekhte hain ki most of his childhood was spent on a large agricultural estate where he saw wine and olive presses. He learned the polishing stones and created lead molds. The olive press was the model for the printing press, and the molds were used for casting the metal types for the letters of the alphabet. बच्चों बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो जोहान है गुटनबर्ग थे वो बचपन में एक एग्रीकल्चरल इस्टेट पे पले बड़े थे तो उन्होंने वहाँ पे ऑलिव प्रेसेज वाइन प्रेसेज ये सब देखा था जहाँ पे ऑलिव्स को प्रेस करके तेल निकाला जाता था वाइन के लिए ग्रेप्स को प्रेस करके ऑल ऑफ़ दैट ठीक है तो उन्होंने उस प्रेस से एक आइडिया लिया साथ ही में वो एक कोल्ड स्मिथ भी थे तो उनको जो है काफ़ी मेटल्स वगैरह की भी नॉलेज थी और मोल्ड्स बनाने उनको आते थे ठीक है सांचे बनाने उनको आते थे तो उन्होंने वो सांचे की जो नॉलेज थी उसको अडॉप्ट करा और साथ ही में प्रेसेज की नॉलेज को अडॉप्ट करा और उन दोनों से उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस क्रिएट करी सो साचे बनाए उन्होंने लेटर्स के जिसमें वो लेटर्स को अरेंज कर देते थे अपने हिसाब से और और उसी के साथ उन्होंने प्रेस वाला आइडिया भी उनको आया कि जिससे हम उन सांचों को नीचे प्रेस करेंगे पेपर पे प्रिंट हो जाएगा फिर ऊपर उठा लेंगे फिर नीचे प्रेस करेंगे प्रिंट हो जाएगा ऊपर उठा लेंगे ठीक है तो वो सांचे बना दिया अलग अलग लेटर्स के अब क्या होता था बस लेटर्स वो रीअरेंज करते थे रीअरेंज करने के बाद उसमें इंक लगती थी इंक लगने के बाद उसको ऐसे प्रेस कर दिया जाता था पेपर पर पे, छप जाती थी चीज़ें तो उन्होंने इस पर्टिकुलर आइडिया के थ्रू अपनी मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट करा है क्स्ट एट्थ क्वेश्चन एट्थ क्वेश्चन इज और है, यहाँ पे पूछा जा रहा है Gazette, mm -hmm. weekly, क्यों भाई वीकली ठीक है बिंगॉल गिजेट जो की एक वीकली मैगजीन थी उसको किसने एडिट करना चालू करा सो so, यहाँ पे यू हैव दस जेम्स ऑगस्टिस की जॉर्ज एलियट जेन ऑस्टन या फिर विलियम बोल्टो देर आर फोर ऑप्शन ऑल राइट एंड यू ऑल नो की द करेक्ट ऑप्शन इज जेम्स ऑगस्टस हिकी जेम्स ऑगस्टस हिकी जो कि इस मैगजीन के अंदर सीनियर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स की थोड़ी बहुत आलोचना भी करते थे है कि नहीं पता है ना ये बात चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है हुंग दॉलोइंग रिलीजियस रिफॉर्मर्स रोड द नाइनटी फाइव 95 थीसिस क्रिटिसाइजिंग मेनी ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिस एंड रिचुअल्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च तो 95 थीसिस किसने लिखी थी रोमन कैथोलिक चर्च को किसने क्रिटिसाइज करा था उसके थ्रू सो वी ऑल नो देखो ऑप्शंस है कन्फिक्यूस किता गावा उता मार्टिन लूथर या हाई सैंग सो वी ऑल नो कि द करेक्ट आंसर इज मार्टिन लूथर मार्टिन लूथर जो कि एक वी ऑल नो ही वॉज अ रिलीजियस रिफॉर्मर ही रोट दी

नेक्स्ट इलेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं इलेवंथ क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया भारत के अंदर किसने कौन से वो लोग थे जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस करा था फ्रेंच इटालियन पोर्टुगीज या फिर नन ऑफ दीज सो द करेक्ट आंसर हियर इज द जो है सबसे पहले किधर गोवा में आके उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी ऑल राइट ट्वेल्थ क्वेश्चन प्रिंटिंग वॉज फर्स्ट डिवेलप्ड इन जापान पोर्टुगल चाइना या जर्मनी सबसे पहले प्रिंटिंग कल्चर या प्रिंटिंग की जब हम बात करते हैं, पर डेवलप हुई थी ऑल नो द करेक्ट आंसर इज चौक टू चाइना है ना चाइना के अंदर बचो ओके थर्टींथ क्वेश्चन बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन तो फटाफट आगे बढ़ते जा रहे हैं थर्टीन क्वेश्चन है At one of the following places, the Grimm brothers spent years compiling the traditional folk tales gathered from peasants. वह जो आप सभी को पता है कि जो Grimm brothers हैं, उन्होंने uh, गांव-गांव जाकर वहाँ के folk tales, जो लोक कथाएं होती थीं, उनको collect करा और उसके through, since inspire होकर उन्होंने जो हैं बच्चों के लिए stories लिखी थी, जैसे ये जो Red Riding Hood की हम लोग बात करते हैं, Cinderella की बात करते हैं, all of these folk tales were written by them and they compiled all these uh, like local folk tales from peasants and then they गेव इट अ फॉर्म ऑफ द चिल्ड्रं टेल्स ऑल ऑफ दैट ठीक है सो कहाँ पर यह घटना घटी थी जर्मनी के अंदर ठीक है फ्रांस इंग्लैंड जर्मनी स्पेन लिखा है बट जर्मनी में हुआ था ये फोर्टीन क्वेश्चन पर आ गए क्वेश्चन है कैट विच प्लेस द कैथलिक प्रीस्ट प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल बुक इन फिफ्टीन सेवनटी नाइन इंडिया के अंदर प्रिंटिंग कल्चर पोर्टुगीज़ लोग लेकर आए लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर प्रिंटिंग कल्चर फैलने लगता है तो जो कैथलिक प्रीस्ट थे बच्चों जो कैथलिक पंडित थे उन लोगों ने सबसे पहली तमिल बुक प्रिंट करी है 1579 के अंदर कौन सी जगह में ऑप्शन है कटक कोचिन कैलकटा या मद्रास आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए नहीं पता है तो मैं बताने ही वाली हूँ वो तो मैं बताऊंगी ही ऑब्वियसली सो द करेक्ट आंसर इज कोचिन ठीक है ओके okay. नेक्स्ट Fifteenth question Who was Martin Luther? Who was Martin Luther? Was he a painter? वॉज ही अ पोएट कवि थे वॉज ही अ रिलीजियस रिफॉर्मर या फिर ये सभी थे वो तो बच्चों मार्टिन लूथर हम सभी को पता है वॉज अ रिलीजियस रिफॉर्मर कभी भी मत भूलिएगा देखिए बार बार मार्टिन लूथर जी के ऊपर जो क्वेश्चन है दे आर बिंग रिपीटेड 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 सो जस्ट रिमेंबर दिस की मार्टिन लूथर एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे उनकी किताब का नाम था नाइन्टी फाइव थीसिस जहाँ पर उन्होंने बहुत सी रोमन कैथलिक चर्च की प्रैक्टिसज और रिचुअल्स को करा था क्रिटिसाइज ही स्टार्टेड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन विच वॉज लाइक विच लेड टू अ डिविजन इन द क्रिश्चन चर्च ओके इट टूर डिविजन इन द चर्च दो अलग सेक्ट इमर्ज होकर आते हैं question, What were the penny chap इनको ले लेकर जाते थे बेचते थे ताकि गरीब लोग भी खरीद सकें बट जो एक पेनी की चैप बुक बिक जाती थी एंड दीज वर दॉकेट साइज बुक्स पॉकेट में भी रख सकते थे इतनी छोटी छोटी किताबें होती थी और एक एक पेनी में बिक जाती थी बहुत ही बढ़िया

डैश हिंदूज बिलीव दैट अ लिटरेट गर्ल वुड बी विडोड इफ शी गेट्स एजुकेटेड कौन से वो हिंदू लोग थे जो कि ये मानते थे कि अगर कोई लड़की पढ़ लिख जाएगी तो वो विधवा हो जाएगी सो वर दर्वेटिव हिंदूज कंजरवेटिव दस हिंदूज ऑल राइट नेक्स्ट द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू डैश इन इंडिया विद

the religious reformer martin luther wrote 95 theses criticizing many of the practices and rituals of the roman catholic church to so, sabse pehle to na hum ek ek statement ko dekhenge aur fir dekhenge ki is it true or is it false to so, ye wali statement definitely true hai kyunki abhi abhi humne padha tha ki han Martin Luther लूथर ने ही 95 theses थीसिस लिखी थी और बहुत सी प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स रोमन कैथोलिक चर्च के क्रिटिसाइज करते हुए लिखी थी नेक्स्ट लिखा है दिस लेड टू अ डिविजन विद इन द चर्च एंड द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन तो इससे चर्च में एक विभाजन आता है एक डिविजन आता है और प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन की शुरुआत हो जाती है बिल्कुल सही तो ये भी ट्रू है दोनों ही ट्रू है एंड व्हाट वी विल से हेयर बोथ इज एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सो वील राइट इट डाउन बोथ ए एन आर आर ट्रू आर इज the एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नेक्स्ट Next, 22nd क्वेश्चन चलिए देखते हैं 22nd question क्वेश्चन क्या लिखा है द न्यू रीडिंग कल्चर was अ by a अ न्यू टेक्नोलॉजी जब नया रीडिंग कल्चर इमर्ज हो रहा था तो उसके साथ साथ नई तकनीकें भी आ रही थी

तो हम लोग देख रहे हैं कि हैंड प्रिंटिंग से एक प्रिंटिंग में शिफ्ट आ गया था तो यही बोला जा रहा है कि नए रीडिंग कल्चर की वजह से एक तरीके से नई टेक्नोलॉजी uh, मतलब नया रीडिंग कल्चर आ रहा था तो नई तकनीकें आ रही थी हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग में शिफ्ट आ रहा था दिस इज द करेक्ट रीजन सो यहां पर भी ये लिखेंगे कि बोथ ए एन आर आर ट्रू एंड आर इज द

हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्स की जो प्रोडक्शन हो रही थी हाथ से जब मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तो उससे जो डिमांड फॉर बुक्स थी यानी कि जो किताबों की डिमांड थी वो उसको सेटिसफाई नहीं कर पा रही थी ऑब्वियसली बात है यार हाथ से जब आप किताब लिखोगे तो उसमें कितना ज्यादा टाइम लगेगा है ना हाथ से जब लिख रहे हैं कितना ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन डिमांड जो है बुक्स की वो बहुत ज्यादा थी तो सप्लाई कम थी डिमांड बहुत ज्यादा थी तो इट कुड नॉट सेटिस तो ये तो बिल्कुल ट्रू है फर्स्ट वाली स्टेटमेंट इज टोटली ट्रू चाइनीज पेपर रीच यूरोप वायर द सिल्क रूट चाइनी चाइना चाइनी का बोल रही हूँ चाइना का पेपर यूरोप पहुँचता है वाई द सिल्क रूट दिस इज ऑल्सो ट्रू बोथ आर ट्रू बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है ना तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए आई होप मैंने यहाँ पर ठीक लिखा है ओके okay. ओहो पीछे नहीं जाना है आगे जाना है लाइफ में भी आगे जाना है यहाँ पे भी आगे जाना है ओके ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन बर्ग प्रिंटेड वॉज द बाइबल सबसे पहली बुक जो कि गुटनबर्ग ने बच्चों अपनी प्रिंटिंग प्रेस मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू प्रिंट करी थी वो थी बाइबल क्रिश्चियन होली बुक येस दैट्स ट्रू दिस इज ट्रू डेफिनेटली ट्रू नेक्स्ट स्टेटमेंट है अबाउट फाइव हंड्रेड कॉपीज वो प्रिंटेड एंड इट टुक टू इस टू प्रोड्यूस एक सौ अस्सी कॉपीज प्रिंट करी गई थी तो तो दिस इज डेफिनेटली फॉल्स यहां पर लिखने की जरूरत भी नहीं आप लोग खुद से लिख सकते हैं ए इज इज ट्रू बट आर फॉल्स लिख देते हैं तसली तो के लिए बट चलो पच्चीसवें प्रश्न पे आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओके इधर आके देखते हैं एजन है प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर स्टिटेड मैनी डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस ऑफ़ फेथ इवन अमंग द लिटिल एजुकेटेड वर्किंग पीपल तो यहाँ बोला जा रहा है कि इवन दो जो वर्कर्स थे जो बहुत कम पढ़े लिखे भी थे उनके अंदर भी जब प्रिंट कल्चर आता है रिलीजियस लिटरेचर आता है बहुत सारी धार धर्म के ऊपर ओपिनियंस भावनाएं और ये सब चीज़ें जब सर्कुलेट होने लगती हैं तो ये लिटिल एजुकेटेड वर्कर्स ने भी एक तरीके से अलग अलग वो भी जब इस रिलीजियस लिटरेचर को पढ़ते थे तो उनके मन में भी अलग अलग इंटरप्रिटेशन उसको लेके अलग अलग ओपिनियं जो है वो क्रिएट हो गई थी सो डेफिनेटली ट्रू ठीक है तो ये तो सच है नेक्स्ट है थ्रू द एंड लिटरेसी रेट्स वेंट अप इन मोस्ट ऑफ यूरोप और सेंचुरी में लिटरेसी रेट्स मैक्सिमम यूरोपियन पार्ट्स में बढ़ रहे थे लोग ज्यादा पढ़ लिख रहे थे विच इज ऑल्सो ट्रू बट मैं यहां वही है कि आर इज नॉट दी

ओ oh, ये किससे लिख दिया सॉरी हाँ ये आई थिंक हाईलाइटर आ गया है पेन से लिखना है हमको ओके okay, नेक्स्ट है चर्चेज ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन सेट अप स्कूल्स इन विलेजेस कैरिंग लिटरेसी टू द ट्राइबल्स अलग अलग जो चर्चेस अलग अलग डिनोमिनेशन के उन लोगों ने गांव में स्कूल वूल खोलने चालू करे और लिटरेसी जो है वो ट्राइबल लोगों तक गांव वाले लोगों तक लेकर जा रहे थे दिस इज ऑल्सो ट्रू दिस इज ट्रू मतलब आई मीन दिस इज ट्रू दिस इज फॉल्स दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू ठीक है वो वाली चीज है नेक्स्ट है ट्वेंटी सेवेंथ क्वेश्चन इज चिल्ड्रेन बिकेम अन इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर्स बच्चे जो है वो एक नए रीडर्स की इंपॉर्टेंट कैटेगरी बन गए थे क्योंकि यार देखो प्राइमरी जो स्कूल एजुकेशन है वो कंपल्सरी कर दिया गया था तो ऑब्वियसली बात है कि अब बच्चों को स्कूल जाना था बच्चों को वहाँ पर पढ़ाई लिखाई करनी थी तो दैट इज वाई द रीडर्स बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी द चिल्ड्रन बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर्स दैट्स ट्रू दिस इज ट्रू प्राइमरी एजुकेशन बिकम कंपलसरी फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी वही दोनों ट्रू हैं वही बात है क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी हो गई इस वजह से बच्चे जो हैं एक प्राइम कैटेगरी ऑफ रीडर्स बन जाते हैं तो यहाँ पे वही बात हो जाएगी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट

हमारे रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर्स के बीच में और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के बीच में मतलब बच्चों कंट्रोवर्सी किसके बीच में चल रही है जो लोग धर्म परिवर्तन लाना चाहते हैं और वहीं पे दूसरी साइड पे वो लोग हैं जो ऑर्थोडॉक्स हैं जो पुराने ख्याल के लोग हैं जो बिल्कुल चेंज नहीं चाहते तो दोनों के बीच में जाहिर सी बात है झगड़ा होगा और मैटर्स कौन कौन से थे मैटर्स थे विडो इमोलेशन क्या होता था सती प्रथा के ऊपर आर्ग्यूमेंट साथ ही में मोनोथिज्म कि आपको एक ही भगवान को मानना है ब्राह्मानिकल प्रीस्टहुड जो ब्राह्मण्स के पास पावर्स थी उस टाइम पे पंडित थे वो है ना वो सब आइडोलेट्री, आइडल वर्शिप मूर्ति पूजन इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होते थे तो ये तो बिल्कुल ट्रू है बात इसमें कुछ गलत है ही नहीं है, सेमिनरी इन 1867, thousands thousands है ये। ये देखो ये ऑफ फतवाज यहाँ पे ढंग से नहीं लिखा है जो रिलीजियस लॉज होते हैं ना ऑफ फतवाज टेलिंग द मुस्लिम रीडर्स हाउ टू कंडक्ट दम सेल्स इन एवरीडे लाइफ एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ इस्लामिक डॉक्टर तो बचो हम देखते दियोबन सेमिनारी आती है बहुत सारे फतवाज पब्लिश होने लगते हैं मुस्लिम रीडर्स के लिए कि मुस्लिम रीडर्स उनको पढ़ लें और अपने आप को मतलब ये समझ ले कि हाउ टू हाउ दे हैव टू कंडक्ट उनको अपने आप को कैसे पेश करना है एवरीडे लाइफ में और इस्लामिक इस्लामिक एक्सप्लेन करते हुए तो दिस इज ऑल्सो ट्रू लेकिन यहाँ पे वही बात है बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहीं से भी आर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना एजर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं है दोनों सही तो है बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नेक्स्ट छोटे और बड़े का सवाल वॉज a बाय वर्कर फ्रॉम कानपुर ही वॉज वह जो छोटे और बड़े का सवाल ये जो किताब लिखी थी किसने लिखी थी एक मिल वर्कर ने लिखी थी काम करते थे ये कानपुर के मिल वर्कर थे इनका नाम था काशी बाबा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन और ये है सम्बुद्ध कॉमुदी विच वॉज अ पॉपुलर जर्नल इट पब्लिश्ड बाय तो किसने पब्लिश करी थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने शरद चंद्र चैटर्जी ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या फिर राजा राम मोहन रॉय ने सभी को बात पता होनी चाहिए कि संबद कौमुदी को पब्लिश करने वाले थे हमारे राजा राम मोहन रॉय ऑप्शन डी जो है बिल्कुल है करेक्ट ठीक है तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन होता है समाप्त और बचो प्रिंट कल्चर जो हमारा चैप्टर है उससे हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्टी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कराया आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद जो चैप्टर से डर लगता है वो डर हल्का सा गायब हो गया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लगे होंगे आसान और बच्चों आसान ही है चैप्टर भी ईजी है इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट सो बहुत सारे और भी क्वेश्चन इस चैप्टर के मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के रिविजन के लिए अगर चैप्टर का लेक्चर देखना है तो इट इज़ अवेलेबल ऑन आर चैनल Or one shot may available. Hai, like go and watch that if you really have some serious questions or doubts over this chapter or any topic. So do that, and I will see you guys in the next class. Till then, take care. Have a good day, and bye-bye.